अभी 4-5 डिग्री है, मेरे पास हैंड ग्लव्स भी नहीं है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोन प्रयाग। मैं तो अभी जस्ट उठी हूँ और देखा नीचे इतनी लाइन है। ये जो हम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना ऑनलाइन चार धाम की यात्रा के लिए, उसको वेरीफाई यहाँ पर कराना है। ये केदारनाथ का है सोन प्रयाग, जहाँ पर अभी मैं गड़ी हुई सुबह के बजे 6:30 और टेंशन हो गया लाइन देख के। ये पहनना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं पता मैं 22 किलोमीटर्स का ट्रैक कैसे करूँगी। मैंने ना हेलीकॉप्टर बुक किया, ना पालकी, ना घोड़ा। इतना रश है, मेरे को ऐसे ही डर लग रहा है क्योंकि मेरा लेग का सिचुएशन बहुत डेलिकेट है और डॉक्टर ने हाइक एंड क्लाइम करने के लिए मना किया है। यानी यू कैन ड्राइव कार, क्योंकि एक पैर का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है और हाईवे पर चलाते हो ना, तो बहुत कम टाइम मुझे क्लच दबाना पड़ता है और जब दबाती हूँ ज़्यादा ब्रश है तब मैं बूट पहन लेती हूँ। तो चलो पहले तो रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करती हूँ और उसके बाद देखती हूँ आगे जाके गौरीकुंड पहले पहुँचना है क्या करना है। लेट्स सी। मेरा तो पैर के वजह से इन लोगों ने प्रायोरिटी में स्कैन कर दिया, तो मुझे खड़ा नहीं रहना पड़ा। चलो अच्छा है, एटलीस्ट एक काम तो ख़त्म हो गया। अभी यहाँ से अपने को जाना है गौरीकुंड, बाहर से कैब मिलेगी। सोचा अंकल बोल रहा है आधा भी नहीं है भीड़, तो सोचो कि सीजन में क्या रहता होगा। जून जुलाई सीजन होता है ना, मई जून। चौथाई पे भी नहीं है, यानी इतना भीड़ होता होगा तब। तो कंसिडरिंग दिस इज लिटिल लो सीजन, शोल्डर सीजन, मुझे लगता है ये सीज़न बराबर है जब बारिश ख़त्म हो जाती है उसके बाद यहाँ पर। अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी उठाने लेके आई हूँ क्योंकि मेरा डब्बा कॉफ़ी सब गाड़ी में, ज़्यादा लेके नहीं निकली मैं, छोटा सा बैग है। अगर वहाँ रुकना पड़े, रात को रुकना ही पड़ेगा वहाँ पर। दोनों भैया पहले मुंबई में काम करते थे, बैंड्रा में 28 साल रहे। मैं खड़े होकर खुद की कॉफ़ी बना रही थी, तो अभी कॉफ़ी पी के एकदम आ जाएगा जोश और निकलूंगी गौरीकुंड। ये देखो सारे घोड़े ऊपर जा रहा है गौरीकुंड की तरफ, फिर वहाँ से लोगों को लेंगे। बट अभी तो सीजन आया ही नहीं बारिश का। हाँ तो कोई ऐसी बात नहीं भी हो सकती है बारिश, मैं बोल तो रहा हूँ। ये रेनकोट है, अगर बारिश होती है तो लेके रखो। तो यहाँ पे चलते चलते जाना है आगे तक, जहाँ आपको कैब मिलेगी। देखो चलना तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है ना, तो मैं इसलिए बूट पहन लिया सुबह से ही, और स्लोप वाला रास्ता है पूरा। 50 रुपये गौरीकुंड का। ये वाला भी है ना आगे वाला, तो इसमें भी बैठ जाती हूँ। अभी तो बाहर ही लटकूंगी मैं, जगह तो है नहीं अंदर। 50-50 रुपये पहुँच रहे हैं गौरीकुंड। इतना ट्रैफिक था कि गाड़ी ने भी छोड़ दिया। अभी ये पूरा वहाँ तक जाना है गौरीकुंड। तो यहाँ पर गाड़ियाँ लाइन में खड़ी है। अभी ये आएगा गौरीकुंड, और गौरीकुंड से लोग बोलते हैं कोई 16 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 22 किलोमीटर, पता नहीं कितना किलोमीटर्स है, तो चेक करूँगी। बट मैं धीरे धीरे चल के जाऊँगी, मेरे पैर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं ट्रैक कर पाऊँ, पॉसिबल ही नहीं है। तो मुझे या तो घोड़ा या तो कुछ करना ही पड़ेगा। अगेन जितना हो सके मैं ट्रैक करूँगी, आराम करना होगा तब मैं बैठ जाऊँगी। तो पूछते हैं चार्जेस क्या है यहाँ पर। अब ऐसा है कि आज तो वापस आना नहीं है, रुकना पड़ेगा, कल आना है, तो उस हिसाब से प्राइस तय करने पड़ेंगे। वैसे रिटर्न के प्राइस होते हैं यहाँ पर, मैं चेक कर रही थी कल के लिए हेलीकॉप्टर हो जाए, बट अवेलेबिलिटी है ही नहीं। ये प्रेम भाई है और उनके साथ जा रही हूँ बिट्टू। मैं बिट्टू दीदी है मेरे साथ, मैं ले जा रहा हूँ ऊपर मंदिर में घुमा के लाऊंगा। 12,000 बोल रहे थे, तब से 8,000 में आए आना जाना, क्योंकि मैं पतली हूँ ना। 70 किलो को लेके आए हो भाई? ये लोग पता नहीं क्या खाते हो। खाते दाल, चावल, सब्जी, माछा, मासु, दारू। क्या है ना, मेरे को घोड़े पे जाना अच्छा नहीं लगता है, एनिमल है। देखो वैसे भी ये भी इंसान ही है,
बट अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। तो हमारी टेंशन मत करो, हम बहुत मजबूत हैं और इतना लंबा ट्रैक है तो मैं चल नहीं सकती, पर जितना हो सके एडजस्ट करूँगी। अब यहाँ से बैठ के जाऊँगी ऊपर, तो यहाँ से चढ़ाई चालू होती है और यहाँ से देखते 16 किलोमीटर है, 20 है, 22 है। वो भाई साहब है आगे, जितना चल पाऊँ उतना चल रही हूँ मैं। एक मिनट भैया। टॉरिया, अरे हाय, चलो यार, मेरा सामान ही पीछे वाले भाई के ऊपर है, मैं भी थोड़ा थोड़ा चल रही थी, देखा तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा मोटो ब्लॉगिंग करता है बंदा, दोस्त है मेरा, सोशल मीडिया फ्रेंड। हम लोग मिले थे चितकुल में लास्ट विलेज और आज मिल गए यहाँ पर, मुझे ट्रैक कर रहा था एक्चुअली यार, मजा आ गया, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये तो। यार एक दूसरे की स्टोरी है, मुझे तुम एमपी में गए यार कहीं से? हाँ मैं एमपी में था, है ना, अभी तो सीधा आ रहा हूँ उज्जैन से आ रहा हूँ। अरे वो उज्जैन से सीधा इधर पहुँच गया है, ज्योतिर्लिंग कवर कर रहा हूँ मैं। तुमने मेरे को मैसेज किया था लेकिन मेरा ना मैंने देखा ही नहीं इंस्टा दो दिन से, एकदम ही मैं ब्लॉग उसमें चल रहा हूँ। पैर कैसा है तुम्हारा? पैर ऐसे ही है यार, धीरे धीरे कर रही हूँ, अपनी तो हिम्मत नहीं है, मैं 22 किलोमीटर चल रही हूँ। पूछा हुआ था मेरी जब बात हो रही थी लास्ट, तभी अभी भी देखो शूज ना पहनो ना और फिर ऐसे थोड़ा भी स्लोप चढ़ो तो फिर एकदम स्वेल हो जाता है पूरा। सही डिसीजन लिया तुमने ये करके ना। और यार घोड़े पे जाना डर भी लगता है वो पूरा। देखो घोड़ा वैसे बना तो वैसे इसके लिए लोग घोड़े सवारी क्यों करता है? सही बात है, वो चलता है इतना ज्यादा नहीं है बट ना डर लगता है घोड़े में, उसकी आदत बनती है। वही 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 बात है। तो अभी 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हुआ है, 22 किलोमीटर है और जाना है ऊपर, सबको अच्छा तुम भी साथ साथ चलते रहो, क्या प्लान है वापस? आज तो नहीं आप वापस? नहीं वहीं रुकेंगे। हाँ चलो, अभी तो आज मिल गया है तो टेंशन ही नहीं है, देखते साथ साथ में चलते हैं फिर। हैं क्या सरप्राइज है भाई, क्या सरप्राइज, सच में हाई फाई। नीचे ना रेनकोट मिल रहा था 100-100 रुपये में, तुमने लिया नहीं, अब यहाँ ऊपर मिल जाएगा, चल चलते हैं थोड़ा सा। मैं तो चलो, अच्छा ये लड़का मिल गया इधर, और ऊपर से जितने भी घोड़े वाला है ना वो सब इतनी गालियां दे रहा है भगवान के धाम में। ये घोड़े वाले कितनी गालियां बोलते हैं ना ये लोग यहाँ पर भगवान के धाम में, दैट्स सो बैड यार, इतनी गालियां बोलते हैं ये लोग, शर्म भी नहीं है। कितनी धूप है और धूप में बारिश, ये धूप देखो पीछे। चलो चलते हैं धीरे धीरे, बारिश तो बंद हो जाएगी। ये घोड़े वाले लोग को हद ही कर रहे हैं। हेलो उस्ताद जी, कोई चीज नहीं आपको घोड़ा भाई मंदिर के लिए ये आखिर में लेना ही पड़ा और यहाँ पर इतना महंगा 200 रुपए का, इससे अच्छा नीचे से लेके आओ 100 रुपए में, नीचे 100 रुपए का था पता है। वापिस बारिश आ गई है, बारिश में चलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा ऊपर। अभी बारिश की वजह से क्या हो रखा है पूरा फ्लोर, अभी पता नहीं कितने किलोमीटर बाकी है, समझ में आता नहीं है। गूगल मैप दिखा रहा है 11 किलोमीटर और है, 16 पे चालू किया था और लोग बोल रहे हैं कि 22 किलोमीटर हैं, तो 5 तुमने किए तो 16 अभी भी बाकी है, अब पता ही नहीं है। भाई साइड में यहाँ पर गरम, हाँ चावल फैट फैट होता है ये चावल में कुकर वाले। अब बाहर इतनी बारिश हो रही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ब्रेक लेना ही था, और ऐसे ही बारिश होती रही तो बहुत हालत ख़राब होने वाली है। मेरा पिट्टू वाला तो पीछे है, मैं धीरे धीरे चल रही हूँ, थोड़ी देर पीछे में बैठी थी तो मेरा ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। भूख लगी है कुछ खा लेते हैं, यहाँ राजमा चावल बन रहा है, बना आप खिलाओगे? राजमा चावल लाइट आया चार्ज करना, क्या बात कर रहे हो? मेरा तो फोन का बैटरी खत्म हो जाएगा, ऊपर तो मिलेगी बट मैंने तो मैगी भी मंगा ली थोड़ी गरम गरम। ये देखो ना इतनी बारिश हो रही है,
अगर बारिश नहीं रुकी ऐसे ही होती रहेगी तो ट्रैक खत्म ही कैसे होगा। बारिश को भी अभी आना था, अब थोड़ा थोड़ा खुला है। देखो यहाँ पे समझ में नहीं आता कि कितना किलोमीटर किया, या तो फिर मैप ऑन रखो और फिर अपनी बैटरी ख़त्म करो, वो मैं कर नहीं रही हूँ क्योंकि पूरे ट्रैक पे कहीं भी लाइट नहीं है फ़ोन चार्ज करने की। मेरे पास पावर बैंक नहीं है, इस बार मैं सारा सामान गाड़ी में छोड़ के आई, बहुत हैवी था, सिर्फ चार्जर लेके आ गए। अभी बारिश तो बंद हुई है, नीचे हालत देखोगे ना पूरा, ये देखो मेरा तो पूरा बूट ही खराब हो गया। जब यार लगे ना दर्द ज्यादा हो रहा है तो भाई प्लीज चढ़ जाना अपनी पालकी पे। हाँ, मैं ऐसे थोड़ा ट्राई कर रही हूं जितना हो सके। हाँ, तुम्हारा पैर भी बहुत ज्यादा सूजा हुआ है मैंने देखा था। हाँ, और एक थोड़ी सी इंजरी हो जाती है ना। हाँ, थोड़ा सा अगर ट्विस्ट हो गया। हाँ, तो समझ लो 5-7 दिन गए। वही तो फिर ठंडे पानी में गर्म पानी में पैर डालते रहो। वही 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 वो सब बहुत मगजमारी होती है। बहुत ज्यादा पुश मत करना ठीक है, जब लगे तो ऊपर बैठ जाना भाई आराम से। भोलेनाथ वैसे भी आशीर्वाद दे देंगे, मजबूरी समझते हैं यार वो। सही बात है। चलो देखो पैर, एक बात तो है सीधी सी, अभी देखो यहाँ पर मैं ना अपने मैप पे भी देख रही थी, मैंने 6 किलोमीटर चढ़ा है और यहाँ पर 10 किलोमीटर रखा है केदारनाथ, तो हुआ 16 किलोमीटर। तो टेक्निकली गौरीकुंड जहाँ पर टैक्सी पब्लिक टैक्सी की टैक्सी जो उतारती है ना, वहाँ से 16 किलोमीटर है। और जो मेन जहाँ पर मैं ठहरी थी आई मीन वहाँ से हो सकता है 22-23 किलोमीटर, ये 5-6 किलोमीटर तो हम टैक्सी में आए सब लोग शेयरिंग में आएंगे। और यहाँ से देखो 10 किलोमीटर दिखा रहा है, सो नीचे से मैं 9:30 को चली थी, अभी 2:30 बजा है, 5 घंटा हुआ है। देखने जाओ तो बहुत स्लो चल रहा है यार, क्योंकि मैं अभी खुद चल रही हूँ ना बीच बीच में, वो भाई साहब ने बोला था मैं 8-10 घंटे में पहुँचा दूंगा, बट मैं भी चल रही हूँ धीरे धीरे, तो थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अभी सन है, आई होप बारिश ना हो वापस। मेरे शूज़ का हाल देखो, घोड़े की पॉटी कितनी चिपक गई है। ये वाली मुझे बड़ी अच्छी लगी है, पूरा देखो क्या बढ़िया लग रहा है ना यहाँ से। बारिश नहीं है और थोड़ी धूप थी तो अच्छा था। अब ऊपर जो चढ़ाई है ना वो बहुत तगड़ी है, देखो यहाँ से पूरा ये 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 थोड़ा टफ है। मुझे तो लगा तुम कहीं खो गए, कैसा रहा तुम्हारा? सही रहा, एकदम बढ़िया चल रहा है। अरे तुम्हें तो वैसे भी हट्टे कट्टे मस्त, तो एकदम जिम वाले बंदे हो यार, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो कैसे चल रहा है? मेरा ऐसा चल रहा है, एक तो मुझे है ना वो शूज पे से भी ना घोड़े की पॉटी की स्मेल आ रही है। बहुत अच्छी चीज हो गई। हाँ और देखो आगे भी ना हो वैसे, वहाँ तो ये पूरा अभी बहुत गंदा चढ़ाई है ऊपर तक, वो पूरा चढ़ाई वही बोल रहे थे वो भाई। ब्लैक कॉफी पीती हूँ मैं अगर है तो। भैया है ब्लैक कॉफी बना दोगे भैया? वाह 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 वा। पहाड़ों में कॉफी देखो भाई, अभी भी मैं 90% तो श्योर बता ही रही हूँ कि गौरीकुंड जहाँ से कैब में उतरते हो आप सरकारी कैब से, वहाँ से 16 किलोमीटर का ट्रैक है, चाहे कोई कुछ भी बोले मानना ही मत। हम ना मैप से लगा के मैं चल रही हूँ, अभी भी मैं ऊपर पहुँच चुकी ना आपको एग्जैक्ट बताऊंगी। यानी जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी क्रिएटर्स हैं, या कोई पब्लिक है, या यहाँ के घोड़े पालकी वालों बोलते हैं 22 किलोमीटर सब लोग, तो वो गलत है। तो जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, बताती रहूंगी एग्जैक्ट कितना किलोमीटर है। 16 ही है जितना लग रहा है। हाँ अभी वो गौरीकुंड से 22 है। मैं वही तो गौरीकुंड नहीं, गौरीकुंड ट्रैक से 22 किलोमीटर है, गौरीकुंड से 16 किलोमीटर। यहाँ से कितना किलोमीटर है? 6-7 सात किलोमीटर और रह गया है। कॉफी एंड आलू पराठा ब्रेक लिया है, बटर है कि तेल है? तेल है। मैंने ना हरी मिर्ची और छौंकवा दी, देखो जरा इतनी तीखा। और अभी है ना ठंडी बढ़ गई है, मेरे तो हाथ एकदम सुन्न हो रहे हैं, हैंड ग्लव्स लिया नहीं है,
देखो हर चीज नीचे से, वो रेनकोट भी नीचे से रहना 100 रुपए में मिलता है, हैंड ग्लव्स कैप सब नीचे से, अभी ऊपर जितना जाओगे और महंगा मिलेगा। गलती कर दी, मुझे लगा ठंडी नहीं होगी लेकिन ठंडी है। हाँ बराड़ा आ गया बढ़िया सा, डालो पानी इसको उबला। हाँ। हो गया है। ये पूरा शॉर्टकट है जहाँ से ऊपर जा, यहाँ से देखो ना नीचे से 5:30। ठंडी बढ़ गई है बहुत ज्यादा, नहीं चलेगा। यहाँ पर ना ऐसा येलो कलर के बाथरूम है, देखो गवर्नमेंट ने बनाया है ऐसा बीच बीच में, तो जब भी जाना है पब्लिक शौचालय। गुजिया खाऊंगी गुजिया, अंधेरा इतना लग रहा है जितना अभी 5:30 ही बजा है, बट अभी ऊपर आ गए ना क्लाउडी है। ओ वहां से देखो पूरा पहाड़ पे दिख रहा है बर्फ, बर्फ बर्फ गिरी है कल, बढ़िया एकदम। ये दिख रहा है क्या ब्यूटीफुल पहाड़ स्नो का। देखो रात को थोड़ा भी अगर चलने का इरादा है तो टॉर्च बड़ा वाला लेके आना, क्योंकि कुछ दिखता नहीं है रात को। लाइट्स यहाँ पर हैं बट इतनी ज़्यादा अच्छी लाइट नहीं है, और यहाँ पर अभी स्नो गिरी ऊपर, इतना सुंदर दिख रहा है ना पहाड़, अंधेरा भी इतना जल्दी हो गया, ऐसा लग रहा है विंटर आ गया। अभी और 3 किलोमीटर बाकी है बट अभी सीधा ट्रैक है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है तो टेंशन नहीं है, धीरे धीरे चल रही हूँ मैं। वो पिट्टू वाला है ना, वो मेरा पूरा सामान लेके जा रहा है, वो बास्केट। हो जय भोलेनाथ। यहाँ से लोग पूछने आते हैं कैंप के लिए, रहने के लिए कैंप चाहिए। यहाँ से कैंप कितना किलोमीटर और बचा? 3 किलोमीटर तो 6-7 किलोमीटर। अरे 6-7 नहीं है, ये लोग बड़ा झूठ बोलते हैं। हाँ। बहुत झूठ बोलता है, है ना? 3 किलोमीटर बाकी है अभी, अभी पहुंचे हैं बेस कैंप है और बहुत ज्यादा ठंडी है, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पर बारिश हुई थी ना, नहीं स्नो भी हुआ था, स्नो हुआ है ना इधर ऊपर, हुआ है बारिश हुई थी बट स्नो तो दिख रहा है ऊपर पूरा, तभी इतनी ठंडा है। चलो अभी यहाँ पे बेस कैंप जो है वहाँ पर रहने के लिए टेंट मिलता है, देखते टेंट कैसे। भाई कहाँ लेके जा रहे हैं? तो अभी बस जो टेंट दिखाया वही फाइनल कर रहे हैं। हाँ तो मैंने ना जो टेंट दिखाया, क्योंकि अगर रूम लेना है तो बेस कैंप से और 1.5 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा मंदिर के पास, और वहाँ पर भी सारे रूम पैक है अभी, तो यहाँ बेस कैंप जहाँ लगता है वहाँ टेंट मिल जाता है। सडनली आज इतना ठंडा हो गया है और उस चक्कर में हालत ख़राब हो गई है, अभी 4-5 डिग्री है, मेरे पास हैंड ग्लव्स भी नहीं है। बैनर दिखाऊँ? प्रेमवाल सेमवाल, जैसे बेस कैंप आया सबसे पहले जो मेरे को दिखा ना सेम बार, रेस्टोरेंट भी है कैंप भी है, मैं इधर ही रुक गई, आगे जाने का हिम्मत नहीं है, और वैसे अच्छे भी हैं। बाकी तो भगवान का ऐसा ही सब ऐसा ही रहता है, यहाँ पर दम है ना ज़्यादा, ऐसा नहीं कि होटल वोटल मिल जाए, भगवान की दया से सब अच्छे से पहुँच गए, वो बड़ी बात है ना। बस तो अभी का है ये डिनर, राजमा चावल। हाँ तो हो गया मेरा खाना पीना सब कुछ, अभी जो मैंने टेंट दिखाया वहाँ पर जाके सोना है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह उठ के तैयार होके भगवान के दर्शन करेंगे, तो ये थी मेरी आज की यात्रा केदारनाथ, पहुँच गई फाइनली सेफली, और वेरी मच एक्साइटेड कल भगवान के दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के। तो नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखना, और आज का एपिसोड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं बहुत जल्दी। गुड नाइट टू मी एंड हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल, बाय बाय।